वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के अड्सेक्स में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में बिहार बेलेट्रॉन डीईओ का एग्जाम होने वाला है, जिसकी तैयारी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से करा रहे हैं। लगातार आपको एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं यहाँ से, उन सभी प्रश्नों के जो कि आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों चूंकि मैं यहाँ पे आपका नया जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज करा रहा हूँ, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं पीडीएफ के जरिए और वीडियो के जरिए, इन सभी को देखिए, पढ़िए अच्छे से और इसको रिपीट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं आपके, है ना। आज हमारा मॉडल टेस्ट पेपर है 6, इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से हो रहा है। तो चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना है एक झलक देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप सिलेबस को देखेंगे यहां पे, ये देखिए यहां पे देख सकते हैं, ये सिलेबस नया वाला है और यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बात किया गया है दोस्तों, इसमें एलिमेंट ऑफ विंडो एक्सपी, तो देखिए एक्सपी थोड़ा सा ओल्ड वर्जन हो चुका है, अभी विंडो 10 आप लोग यूज कर रहे होंगे, है ना, तो विंडो 10 से भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, वो मैं आपको कराऊंगा आगे अभी, ठीक है। दूसरा है डेस्कटॉप एलिमेंट, डेस्कटॉप एलिमेंट्स के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे क्रिएट होता है डेस्कटॉप एलिमेंट, या फिर उसके बारे में वो क्या होता है, उन सब के बारे में बताएंगे आपको आगे, है ना, अगले वीडियोज में। लोकेटिंग फाइल फोल्डर्स, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों चेंजिंग सिस्टम सेटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इन विंडो, ये भी आपको देखने को मिलेगा। इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, कैसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है इन सभी चैप्टर से, किस सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, हार्डवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, इन सब के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को क्या पढ़ना है आज, और पढ़ना है ओएस, ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें मेनली देखिए एक्सपी के बारे में बोला गया है, लेकिन मैं आज आपको बेसिक पढ़ाऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसके ऊपर करीब यहाँ पे आपको 50, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको करीब 50 एमसीक्यूज दिए गए हैं, इसको देखना है, इसको समझना है, उसके बाद आपको मैं यहां से जो भी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में उसके रिगार्डिंग आपको क्यूज कराऊंगा आगे भी, ठीक है। अभी ये पहला दिन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, आज ये बहुत छोटा नहीं है चैप्टर, बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको 2 दिन कम से कम समय लगेगा खत्म होने में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, अब यहां टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ज्यादा, और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं वो चैनल पे जाएं, चैनल के इस रेड कलर के बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों आज मैंने एक खबर दी है बीपीएससी को लेकर, प्रीलिम्स रिजल्ट को लेकर, कब आएगा इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट, ये जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग एक बार अगर नहीं देखा है तो। और जितने भी आपको क्यूज दिए गए हैं उन सभी क्यूज को देखते रहिए, इसका पीडीएफ पढ़ते रहिए, लेकर है ना एजुकेशन के 86 के टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए आज का पहला प्रश्न क्या कहता है ये आपको हम लेकर चलते हैं आज के इस पीडीएफ पे। दोस्तों व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते क्या है पहले ये जान लीजिए, क्योंकि बेसिक चीजें जब तक नहीं जानिएगा तब तक आपका कोई फायदा नहीं है ये सारी चीजें पढ़ने का, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। चलिए तो जिनका भी उत्तर आ रहा है यहां पर डी, ऑल ऑफ एबव, जी हाँ, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, जी हाँ आपके हार्डवेयर की रिसोर्सेज को भी मैनेज करता है, कौन, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आप अपना कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, मान लीजिए विंडो 10, ठीक है, तो विंडो 10 जो है वो कैसे हार्डवेयर को फॉलोअप करता है, या फिर कैसा हार्डवेयर के साथ साथ उसका पैचअप होता है कि वो चल सके, उसके लिए इसको यहां पे मैनेज करना पड़ता है। और एक्सपी के साथ कैसा हार्डवेयर चाहिए, क्या क्या उसमें प्रोसेसर चाहिए, यानी कि हार्डवेयर प्रोसेसर सब जो हार्डवेयर में ही आते हैं, तो कैसा प्रोसेसर चाहिए, ये कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मैनेज करता है यहां पे किसको, तो हार्डवेयर के रिसोर्सेज को। उसके अलावा कहा गया है कि सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडर टू एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो जितने भी सर्विस यहाँ पे सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, लिंक्स टू इंटरफेस द हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये भी यहाँ पे सही कहा गया है। तो यानी कि यहाँ पे तीनों सही बातें की गई हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर, तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स में क्या है, है ना, ये क्वेश्चन है।
कि इसमें क्या चीज होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स में क्या होती है, ये आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों आंसर जरूर कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत यहाँ पे, ठीक है। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे हाइब्रिड कर्नल, जी हाँ सबसे ज्यादा यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कर्नल्स का, किसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम में, चूंकि ये क्या है एक तरह का प्रोग्राम है दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है। जैसे कि मान लीजिए आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में है ना, आप मान लो सपोज आप यूज कर रहे हैं विंडो 10 या 8 यूज कर रहे हैं या 7 यूज कर रहे हैं, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करिए, या यूनिक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, और या फिर आप यूज कर रहे हैं लिनक्स यूज कर रहे हैं या फिर मैक यूज कर रहे हैं, तो ये सब टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ, ये सब टाइप एमएस ऑफ माफ कीजिएगा विंडो एक्सपी हो गया, विस्टा हो गया, या फिर मैक हो गया, या फिर लिनक्स हो गया, या फिर यूनिक्स हो गया, ये सब टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सब क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो कि मैनेज करता है आपके सॉफ्टवेयर को भी और इसके हार्डवेयर को भी। तो यहां पे उसको मैनेज करता है दोस्तों ओएक्स एक्स हैज हाइब्रिड, यानी कि वो छिपे हुए कुछ कर्नल होते हैं। ये कर्नल क्या होते हैं दोस्तों, ये देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं पहले। तो देखिए एक सिंपल भाषा में अगर समझना चाहेंगे तो कर्नल इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम। ये क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, दैट इज कोर ऑफ द कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, विद द कंट्रोल ओवर द एवरीथिंग द सिस्टम, समझ गए। यानी कि ये कह रहा है कि एक कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है कर्नल, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, और ये क्या होता है, हाइब्रिड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों फटाफट, देखेंगे 50 क्वेश्चन है यहां पे, एक भी क्वेश्चन को यहां पे छोड़ना नहीं है, आप लोग आंसर करते रहिएगा। विच वन ऑफ द विच नॉट, यहां पे नॉट लिखा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिएगा यहां पे, इट्स अ ओएस, जी हाँ पाम ओएस जो है ना, जो पाम आप लोग यूज करते हैं, एक हार्डवेयर आपके पास जैसे कि कंप्यूटर होता है उसी तरह से एक पाम होता है, उसका यूज करते हैं, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, एग्जाम्पल नहीं है उसका। टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाई, चलिए आंसर कीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए इंटरफेस द्वारा प्रदान किया गया है, क्या प्रदान किया गया है, आंसर कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन 4 भी इंपॉर्टेंट है यहां पे आपके लिए, तो जी हां जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों, इसको हम लोग सिस्टम कॉल्स कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, देखिए नॉट बोला गया है, ध्यान दीजिएगा यहां पे, क्वेश्चन को समझिएगा उसके बाद आंसर कीजिएगा, ठीक है। आंसर कीजिए दोस्तों यहां पे, क्वेश्चन नंबर 5 है यहां पे, देखिए 55 आ गया है प्रिंट होके, थोड़ा माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से एक सत्य कथन नहीं है, आंसर कीजिएगा, ऑप्शंस आपके सामने है, देखिए मैं इसमें जो कथन सत्य नहीं है उसको बता दे रहा हूं, आंसर यहां पे सी होगा, कर्नल इज मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल विच कैन नॉट बी लोडेड इन रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये गलत बात है यहां पे, क्योंकि कर्नल इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, कोर कंप्यूटर प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये कोर पार्ट होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, जी हाँ समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे ये कथन गलत लिखा गया है, बाकी ये तीनों सही है कर्नल के बारे में। तो ये कर्नल क्या है यहाँ से भी आप समझ सकते हैं इन तीनों ऑप्शन को, ए बी और डी को पढ़ के, ठीक है। तो मैं आपको पीडीएफ इसीलिए देता हूँ ताकि आपको थ्रोली पढ़ें उस चीज़ों को और आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ईजी आज क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल बाई द ऑपरेटिंग सिस्टम, किस तरह का एरर हैंडल किया जाता है। चलिए 6 का आंसर कीजिए दोस्तों यहां पे, जितना जल्दी हो सके आंसर कीजिएगा दोस्तों यहां पे, लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर को भी हैंडल करता है ओएस, कनेक्शन फेलुअर इन द नेटवर्क को भी हैंडल कर सकता है, और पावर फेलुअर को भी हैंडल करता है, यानी कि आंसर यहां पे डी हो जाएगा। जी हाँ, पावर फेलुअर को कैसे हैंडल करेगा, सपोज मान लीजिए आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं है ना, सिस्टम कंप्यूटर, लैपटॉप नहीं कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो आपका कंप्यूटर एकदम से शटडाउन हो गया, लाइट कट गई, शटडाउन हो गया, वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, तो जो आपका पावर फेलवर हुआ वहां पे उसको भी कंज्यूम करता है और आपके सारे फाइल को
वन बाई वन करके वो क्लोज करता है ताकि आपकी कोई फाइल डिस्टर्ब ना हो। हाँ, बहुत ऐसे चांसेस होते हैं, फ्लक्चुएशन होते हैं जब बिजली में, करंट में, तो उस समय क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई फाइल अगर उड़ जाता है यानी फिर डिलीट हो जाता है गलती से भी फ्लक्चुएशन के चलते, तो ये आपका ओएस जो है काम करना बंद कर देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। विच फैसिलिटी डायनेमिकली एड्स द प्रोब्स टू रनिंग सिस्टम। डायनेमिकली बात हो रही है यहाँ पे, कैसे आपके प्रॉब्लम्स को ऐड करती है जब आपका सिस्टम रन होता है, रन मतलब चलता रहता है, बोथ इन यूजर प्रोसेस एंड इन द कर्नल ऑल्सो। यानी कि जब कर्नल क्या होता है, द सेट ऑफ प्रोग्राम होता है आपका जो कि कोर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, और यूजर प्रोसेसर जो आप प्रोसेसर यूज कर रहे हैं उसको भी, उसके सॉल्व करने को, डायनेमिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रनिंग सिस्टम में, तो किसका यूज करता है ये, आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। सेवेंथ का आंसर कर दीजिएगा दोस्तों, इट्स अ डी ट्रेस। जी हाँ, ये डी ट्रेस का यूज करता है, नोट कर लीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके इंटरव्यू में भी। ठीक है, तो डी ट्रेस होता क्या है, इट इज द फैसिलिटी डायनेमिकली एड द प्रॉब्स टू रनिंग सिस्टम बोथ द यूजर प्रोसेसर प्रोसेसेस ऑन द कर्नल ऑल्सो। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, द मेन फंक्शन ऑफ द कमांड इंटरप्रेटर इज। चलिए ये भी इजी क्वेश्चन है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे, मतलब आज के क्वेश्चन में अगर आप लोगों ने यहाँ पे 50 में अगर 30 भी क्वेश्चन सही किए तो समझिए कि बहुत अच्छा स्कोर है आपका यहाँ पे। ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे बहुत ही टफ चैप्टर होता है यहाँ पे सीएस का, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। द मेन फंक्शन ऑफ कमांड इंटरप्रेटेटर, कल आप लोगों को मैंने असेंबलर, इंटरप्रेटेटर, कंपाइलर, इन सब के बारे में पढ़ाया है, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड बाई द कमांड। जी हाँ, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इट्स ए, नोट कर लीजिएगा, टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड, इट्स द कॉल्ड कमांड इंटरप्रेटेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इफ अ प्रोसेस फेल, कोई प्रोसेस फेल होता है, मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इंफॉर्मेशन टू अ। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे फेल होता है, मतलब प्रोसेस कोई फेल होता है, तो मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी मोस्ट ओएस होता है आपका, वो क्या एरर इंफॉर्मेशन देता है, जल्दी से आंसर कीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, वो आपको एक लॉग फाइल के जरिए आपको एरर जो है वो शो करता है, ठीक है, इन्फॉर्म करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाई ऑपरेटिंग सिस्टम द रिसोर्सेज मैनेजमेंट कैन बी डन वाया, किसके द्वारा, चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, बाई ऑपरेटिंग सिस्टम द रिसोर्सेज मैनेजमेंट कैन बी डन वाया, मतलब किसके द्वारा, वाया यानी किसके द्वारा। ठीक है, आंसर कीजिएगा दोस्तों 10 का आंसर जल्दी से यहाँ पे, बोथ टाइम एंड द स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। जी हाँ, आंसर कीजिएगा बोथ टाइम एंड द स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द सिस्टम विच अलाउ ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट द टाइम आर कॉल्ड, क्या कहलाता है दोस्तों, जब आपका सिस्टम एक समय पर, मतलब द सिस्टम विच अलाउ, ऐसा अलाउ करता है ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन, सिर्फ और सिर्फ एक बार में एक ही एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये आपको यहाँ पे आंसर करके बताना है दोस्तों। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब आपको आना चाहिए, है ना, इसमें कोई भी गलती मत कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोग इजीली कर सकते हैं, इजीली, है ना। क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपका है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है, ये क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि द सिस्टम विच अलाउ ओनली वन प्रोसेस, जब एक ही प्रोसेस करता है यहाँ पे तो एग्जीक्यूशन एट अ टाइम, है ना, तो ये क्या कहलाता है, आपको आंसर करना होगा दोस्तों यहाँ पे, यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि यूनी यानी कि एक, है ना, यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम, और अगर एक से ज़्यादा यहाँ पे बोलता तो मल्टी प्रोसेस एग्जीक्यूशन, ठीक है, सिस्टम कहलाता है ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे जल्दी, फॉर 12th का आंसर कीजिएगा,
द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाई द करेंट प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाई, फटाफट आंसर कीजिएगा ट्वेल्थ का। देखिए द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ऐसे इंस्ट्रक्शन को एड्रेस करना है ना, द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाई द करेंट प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाई, तो ये प्रोग्राम काउंटर के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, प्रोग्राम काउंटर के द्वारा। चलिए विच सिस्टम कॉल रिटर्न्स द प्रोसेस आइडेंटिफायर ऑफ अ टर्मिनेटेड चाइल्ड, चलिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है आपके एग्जाम में, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिएगा कि कौन सी ऐसी प्रणाली है जिसको यहाँ पे समाप्त किया जाता है, ठीक है, क्या क्यों, तो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, टर्मिनेटेड चाइल्ड भी कहते हैं इसको। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बच्चे से रिलेटेड कोई मतलब नहीं है, इसको टर्मिनेटेड चाइल्ड मतलब आइडेंटिफायर जो है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच सिस्टम कॉल रिटर्न, ये कॉल करता है रिटर्न होने के लिए द प्रोसेस आइडेंटिफायर, तो ये होता है दोस्तों वेट, इसको कहते हैं क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वेट, है ना, प्रतीक्षा करना, ठीक है। चलिए इन ऑपरेटिंग सिस्टम इच प्रोसेस हैज इट्स ऑन, चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक क्रिया का अपना क्या है, यहाँ पे आंसर कीजिएगा। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में एड्रेस, स्पेस, ग्लोबल वेरिएबल ये होते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं, अलार्म को पेंडिंग में डाल सकते हैं, सिग्नल्स और सिग्नल हैंडलर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अ प्रोसेस स्टैक डज नॉट कंटेन, चलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका दोस्तों, आंसर जरूर कीजिएगा। अ प्रोसेस स्टैक डज नॉट कंटेन, स्टैक देखिए फर्स्ट स्टैक आपको पढ़ना है किसमें, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ना है आपको सारी चीज़ें, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, ठीक है, फर्स्ट कम लास्ट आउट, है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको स्टैक में पढ़नी होती हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि प्रोसेस स्टैक डज नॉट कंटेन, इट्स अ चाइल्ड प्रोसेस, जी हाँ PID मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि PID ऑफ चाइल्ड प्रोसेस को यहाँ पे क्या करता है, कंटेन नहीं रखता है, नहीं करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द यूनिक्स, इन अ यूनिक्स, देखिए यूनिक्स भी एक तरह का आपका क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बन सकता है यूनिक्स से भी, लिनक्स से भी, मैक से भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बेसिक हैं यहाँ के, है ना, अभी क्वेश्चन जो है आपके टॉपिक वाइज जो यहाँ पे दिए गए हैं सिलेबस में, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो खैर आप यहाँ पे इसको अटेंड करें इस चैप्टर को, उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और चैप्टर आ सकता है आपके लिए। 16 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ फॉर्क, क्या कहते हैं, इन अ यूनिक्स विद सिस्टम कॉल क्रिएट, कॉल यहाँ पे मतलब, कॉल मतलब क्या, बुलाना नहीं, ये एक प्रोग्रामिंग भाषा में कॉल को कहते हैं दोस्तों, कि एग्जीक्यूट करना उस चीज़ को जो कि आपने अपने प्रोग्राम में दिया है, ठीक है। विच सिस्टम कॉल क्रिएट्स द न्यू प्रोसेस, तो ये होता है फॉर्क, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 17, अ सेट ऑफ प्रोसेस इज डेडलॉक इफ, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिएगा, ये जब आपका जो सेट ऑफ प्रोसेसेस है, मतलब जितना भी प्रोसेस आपका चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में, अगर ये डेडलॉक के स्थिति में आ जाए, डेडलॉक यानी कि एकदम से बंद हो जाना, तो क्या होगा, तो आंसर कीजिएगा, ईच प्रोसेस इज ब्लॉक्ड, सभी प्रोसेस रुक जाएंगे एंड विल रिमेन सो फॉर एवर, ठीक है, फिर से ये शुरुआत होने का कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन, अ प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू, 18 का आंसर कीजिएगा दोस्तों यहां पे, अ प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू, कोई भी प्रोसेस यहां पे टर्मिनेट क्यों किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों वो नॉर्मल एग्जिस्ट चाहता है, फैटल एरर अगर आ जाए तो वो चाहता है कि वो टर्मिनेट हो जाए उस प्रोसेस से, या फिर किल्ड बाई अनदर प्रोसेस, यानी कि कोई भी मान लीजिए सॉफ्टवेयर के जरिए या वायरसेस के जरिए उसका प्रोसेस रोक दिया जाता है, तो उसको किल्ड बाई अनदर प्रोसेस कहेंगे, तो ये तीनों को तीनों फॉलो कर रहा है, यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेडी स्टेट ऑफ प्रोसेस, जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, अभी 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके यहाँ पे, 50 क्वेश्चन है,
तो व्हाट इज द रेडी स्टेट ऑफ प्रोसेस, देखिए स्टेट के मतलब राज्य मत समझिएगा यहाँ पे, वो कौन सा स्टेट है, स्थिति अवस्था है ना, ये है इसका मतलब। व्हाट इज द रेडी स्टेट और ऑफ अ प्रोसेसेस, ठीक है, प्रोसेस का रेडी स्टेट क्या होता है, तो आंसर कीजिएगा व्हेन अ प्रोसेस इज शेड्यूल्ड, मतलब जो वो शेड्यूल्ड किया है टू रन आफ्टर द सम एग्जीक्यूशन, ओके आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों, आंसर कीजिएगा 20 का यहाँ पे, जी हाँ जल्दी से, इट्स अ बी, कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस इज कॉल्ड इंटर प्रोसेस, जी हाँ जब दो के बीच, दो प्रोसेसर के बीच ये कम्युनिकेशन किया जाए, आदान प्रदान किया जाए, उसे हम लोग इंटर प्रोसेस कहते हैं कम्युनिकेशन। वर्चुअल मेमोरी यूजेज डिस्क स्पेस एज द एक्सटेंशन ऑफ, चलिए वर्चुअल मेमोरी जो होता है वो किसका यूज करता है एक्सटेंशन के रूप में, आंसर कीजिएगा दोस्तों मेन मेमोरी का, किसका, आंसर बी हो जाएगा मेन मेमोरी का। अगला क्वेश्चन दोस्तों 22, यूजिंग स्वैप स्पेस सिग्निफिकेंटली विच सिस्टम परफॉर्मेंस, 22 का आंसर कीजिएगा, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे डिक्रीज सिस्टम होगा, नोट कर लीजिएगा आंसर बी हो जाएगा, यूजिंग स्वैप, स्वैप का मतलब होता है अदला बदली, ठीक है, स्वैप स्पेस इज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज सिस्टम परफॉर्मेंस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लिनक्स इज द यूज ऑफ मल्टीपल स्वैप स्पेसेस, जी हाँ तो आंसर क्या करना आपको यहाँ पे, अलाउ करता है, जी हाँ क्या करता है आपको, आदेश देता है, पुटिंग दिस स्वैप स्पेस इन द सेपरेट डिस्क रिड्यूस द लोड प्लेस इन द इनपुट आउटपुट सिस्टम्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 24 का आंसर कीजिएगा यहाँ पे, 24 का आंसर कीजिएगा, यदि आप स्वैप केवल एक बड़ी फाइल रखते हैं तो फाइल सिस्टम के भीतर या उसके उपयोग में बनने वाले के लिए इसका नाम दिया जाता है तथा इसके स्थान को आवंटित किया जाता है, वो क्या होता है, इफ द स्वैप स्पेस इज सिंपली अ लार्ज फाइल, अगर ये बड़ा फाइल होता है स्वैप फाइल, ठीक है, जिसको आपको स्वैप करना है विद इन द फाइल सिस्टम, किसी भी फाइल के सिस्टम में, तो यूज्ड अ क्रिएटेड, किसको हम लोग यूज करते हैं, जी हाँ नॉर्मल फाइल सिस्टम रूटीन को ही यूज करते हैं, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये बी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। 25 का आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, फॉर अ स्वैप स्पेस क्रिएटेड अ सेपरेट डिस्क पार्टीशन, जब आपको पार्टीशन करना होता है सेपरेट डिस्क का, जैसे कि आप लोग अगर आप फॉर्मेट करते हैं सिस्टम को तो लास्ट में देखते होंगे कि ड्राइव में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने मेमोरी को ना, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, तो ये जो सेपरेट डिस्क पार्टीशन होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, वेयर नो फाइल सिस्टम और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज प्लेस्ड, जहाँ पे कोई भी यहाँ पे सिस्टम डायरेक्टरी या स्ट्रक्चर प्लेस नहीं किया रहता है, तो वहाँ पे जो एलोकेट करते हैं किसका यूज करते हैं और डी एलोकेट भी करते हैं तो किसको ब्लॉक करते हैं, आंसर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वहाँ पे हम लोग करते हैं दोस्तों स्वैप स्पेस का और स्वैप स्पेस स्टोरेज मैनेजर का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आंसर आपको, डी, स्वैप स्पेस स्टोरेज मैनेजर इज यूज टू एलोकेट एंड डी एलोकेट टू द ब्लॉक्स। अगला क्वेश्चन, When the fixed amount of swap space is created during the disk partitioning, more space can be added only by, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए दो दिया हुआ है, representing the repartitioning, माफ कीजिए repartitioning in of the disk and thus adding another swap space elsewhere, जब आप डिस्क का विभाजन करते हैं, जब आप पार्टीशन करते हैं ड्राइव का, ठीक है, आप लोग अपने सिस्टम में, उसके दौरान आप स्वैप स्थान पर एक निश्चित मात्रा पर बनाई जाती है, मान लीजिए कि आपका 10 GB का एक ड्राइव बना दिए, एक 20 GB का ड्राइव बना दिए, कोई भी निश्चित एक रहता है, तो अधिक से अधिक आप यहाँ पे किसका यूज करेंगे पार्टीशन करने का, आंसर कीजिएगा दोनों ही का, जी हाँ ये दोनों 1 और 2 इज द राइट आंसर, आंसर सी हो जाएगा यहां पे। चलिए अब बात करते हैं यूनिक्स में, इन अ यूनिक्स 2 पर प्रोसेसेस, ठीक है, जब आपको यहां बात की जा रही है यूनिक्स की, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 27 इंपॉर्टेंट है, यहां भी स्वैप की बात करूंगा मैं, इन अ यूनिक्स 2 पर प्रोसेस
आर यूज बाय द कर्नल टू अ ट्रैक स्वैप स्पेस। जब स्वैप की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं तो कर्नल के द्वारा दो प्रक्रियाएं होती हैं, इनमें कौन कौन सी हैं? तो उत्तर दीजिएगा यहां पे स्वैप और मैप कहते हैं उसमें, ठीक है, यूनिक्स में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इट इज टू रीड रीड अ पेज फ्रॉम द फाइल सिस्टम देन द राइट टू द स्वैप स्पेस एंड देन रीड टू इट फ्रॉम देयर। यानी कि फाइल सिस्टम में किसी भी भाग को फिर से लिखने यानी राइट करना होता है, राइट और रीड होता है ना अपने सिस्टम में, तो वो राइट या रीड करने के लिए, उसे स्वैप करने के लिए स्पेस देना और फिर उसे वहां से रीड करना पड़ेगा, तो वो किसके जरिए? इट इज नोट कर लीजिएगा, मोर इफिशियंट टू रीड, जहां मोर इफिशियंट टू रीड रीड पेज फॉर द फाइल सिस्टम देन द राइट टू द स्वैप स्पेस एंड देन रीड इफ फ्रॉम द देयर, ठीक है, रीड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चलिए आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, 29, व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच द क्लाइंट एंड द सर्वर आर डिस्प्लेस्ड अक्रॉस द मशीन्स। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों 29 का, व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच द क्लाइंट एंड द सर्वर आर डिस्प्लेस्ड अक्रॉस द मशीन। आंसर कीजिएगा, इट्स अ बी, सर्वर एंड द क्लाइंट कैन बी ऑन द सेम मशीन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, What are not the characteristics of DFS? DFS की इनमें से कौन सी विशेषताएं नहीं है, ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिएगा दोस्तों यहां पे। चलिए what are not the characteristics of DFS, तो आंसर यहां पे क्या करना आपको, no multiplicity of users, आंसर सी हो जाएगा। अब DFS क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए, DFS इज अ सेट ऑफ क्लाइंट इन द सर्वर सर्विसेज दैट अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ठीक है। क्या होता है ये, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, नोट कर लीजिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट वे फाइल एक्सेसेस टेक प्लेस। चलिए, फाइल एक्सेस करने का विभिन्न तरीका और क्या है यहां पे, तो यहां पे आंसर कीजिएगा मेंशन ऑल। जी हाँ, सिक्वेंशियल एक्सेस करते हैं, डायरेक्ट एक्सेस करते हैं, इंडेक्स के जरिए सिक्वेंशियली इसको एक्सेस करते हैं, आंसर यहां पे डी हो जाएगा। 34 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DFS, ये सबसे विशेषता क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का, आंसर कीजिएगा थोड़ा सा 34 का यहां पे आप लोग। चलिए, 31 के बाद 34 आ गया है क्या, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग गलत हो गया है दोस्तों, माफ कीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे और मिलेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे आज, ठीक है। 34 समझ के ही आंसर कीजिएगा जल्दी से आप लोग यहाँ पे, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ अपग्रेडेशन। जी हाँ, ये अपग्रेड करने के लिए आपको अपने सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, यहाँ DFS जो है सबसे ज़्यादा विशेषता कार्यरत होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विच इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन, 35 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, नॉट एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नॉट एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन, स्टेट यानी कि अवस्था, नॉट राज्य, यहां पे राज्य लिख दिया गया है, ठीक है। तो आंसर 35 का कीजिएगा, इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ SDD प्लेस स्पेस, ठीक है, हार्ड डिस्क है, इसका मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ हार्ड SDD स्पेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन, ठीक है, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन, तो आंसर यहां पे कीजिएगा, इट्स अ डी। ये क्या बताता हमें, है ना, एग्जाम्पल, ओपन फाइल एंड देयर क्लाइंट, फाइल द डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइल हैंडलर्स और करेंट फाइल पोजीशन पॉइंटर्स, ठीक है, ये तीनों कार्य बताता है हमें एग्जाम्पल में, किसके, तो स्टेट इंफॉर्मेशन के। अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द फाइल सिस्टम। चलिए, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे नॉट मेजर है, पर ध्यान दीजिएगा, नॉट बोला गया है यहाँ पे, नॉट अ मेजर, है ना, कंपोनेंट ऑफ द फाइल सिस्टम, तो ये है दोस्तों शेडो सर्विसेज जो है ये यहाँ पे गलत है। बाकी हम लोग फाइल सिस्टम में डायरेक्टरी का यूज़ करते हैं, ऑथराइजेशन का यूज़ करते हैं, कोई भी फाइल में ऑथोरिटी डालना होता है सेफ्टी के लिए, उसके सिक्योरिटी के लिए, और सिस्टम सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है ये कंपोनेंट जिसका फाइल सिस्टम होता है, ठीक है।
आंसर यहां पे सी हो जाएगा, जो कि एक नॉट अ मेजर कंपोनेंट होता है। 38 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, व्हाट आर द डिफरेंट वे माउंटिंग और ऑफ फाइल सिस्टम। 38 का आंसर कीजिएगा यहां पे आप लोग। अब देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट वे माउंटिंग द फाइल सिस्टम, आंसर हो जाएगा इट्स अ डी ऑल ऑफ मेंशन, बूटिंग, ऑटो मॉनिटिंग या फिर ऑटो माउंटिंग। ठीक है, बूट माउंटिंग, ऑटो माउंटिंग और एक्सप्लिसिट माउंटिंग। ठीक है, यहां पे आंसर हो जाएगा इट्स अ डी। अब आपसे कोई पूछ दे कि बूट माउंटिंग क्या होता है ना, तो यहां पे क्वेश्चन बनता है ना, तो बूट माउंटिंग इज द पॉइंट स्पेसिफाई द लोकेशन टू इंस्टॉल द बूट लोडर। जी हाँ, जैसे मैं कि आप लोग इसका सबसे ज्यादा लिनक्स में यूज करेंगे, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, और ये क्या होता है दोस्तों, बेस्ड सिस्टम इज ऑर्डर टू द बूट। बूट यानी कि सिस्टम को ऑन ऑफ करना होता है व्हेन द एक्चुअल बूट डिवाइसेस कंटेन GUID। ठीक है, GUID पार्टीशन ऑफ टेबल में यू सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे 38 का डी हो जाएगा। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कैशिंग इन अ रिमोट फाइल एक्सेस। कैशिंग है ना, कैशेस देखते जानते होंगे आप लोग, सिस्टम में कैशेस बनते हैं आपके, उन कैशेस को क्या होता है, टेम्पररी फाइल होती है वो एक तरह के। ठीक है, तो 39 का आंसर कीजिएगा, रिड्यूस द नेटवर्क ट्रैफिक। जो आपका टेम्पररी फाइल बनेगा वो क्या करेगा, आपके नेटवर्क फाइल को रिड्यूस करेगा बाय द रिटेनिंग द रिसेंटली एक्सेस डिस्क ब्लॉक। और आपके जो यहाँ पे रिटेनिंग जो रिसेंटली आपका एक्सेस करता है उसको भी डिस्क को ब्लॉक कर सकता है कैशिंग फाइल। ठीक है, तो खैर यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कैशिंग इन रिमोट फाइल, तो ये है इसका आंसर ए, ये रिड्यूस करता है आपके नेटवर्क ट्रैफिक को सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि व्हाट इज द नेटवर्क वर्चुअल मेमोरी। ये नेटवर्क वर्चुअल मेमोरी क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है आपको मैंने बताया कैशिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि व्हाट इज द स्टेटलेस, है ना, स्टेटलेस फाइल सर्वर। चलिए, स्टेटलेस आप बोल दिए किसको कहा गया है, तो इट मेंटेन द इंटरनली नो स्टेट इंफॉर्मेशन एट ऑल, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है उस अवस्था का, उसको हम लोग मेंटेन करते हैं इंटरनली। ठीक है, ठीक है, जिसका भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं रहता उसको मेंटेन करना पड़ेगा ना, तो ये होता है दोस्तों आपका फाइल सर्वर में, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ना है फाइल सर्वर, मैंने आपको बताया है सिलेबस में अभी थोड़ी देर पहले, है ना। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 42, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेटलेस सर्विसेज सर्वर। 42 का आंसर कीजिएगा इजियर टू इम्प्लीमेंट, क्या है, इजियर टू इम्प्लीमेंट। अगला क्वेश्चन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेटलेस फाइल सर्वर मस्ट नॉट फॉलो। चलिए आंसर कीजिए, स्टेटलेस सर्वर की विशेषता तो बता दी है आपको मैंने, यहाँ पे आंसर कीजिएगा कि स्टेटलेस फाइल सर्वर के जो आपका कार्य होता है उसका पालन नहीं करना चाहिए किसके द्वारा, तो इंक्रिप्शन ऑफ कीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फाइल रिप्लिकेशन। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड डिफिकल्ट है लेकिन आंसर कीजिएगा जरूर यहाँ पे, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द फाइल रिप्लिकेशन। आंसर होगा दोस्तों इम्प्रूव द अवेबिलिटी एंड द परफॉर्मेंस। हम लोग यहाँ पे रिप्लिकेशन क्यों करते हैं, रिप्लिकेशन का फायदा क्या है फाइल रिप्लिकेशन का, तो इम्प्रूव करता है अवेबिलिटी और इसके परफॉर्मेंस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ NFS प्रोटोकॉल। चलिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको बता दें कि ये सर्च फॉर द फाइल विद इन द डायरेक्टरी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NFS प्रोटोकॉल जो होता है, रीड अ सेट ऑफ डायरेक्टरी इंटायर्स एंड द मैनिपुलेट इन लिंक्स एंड द डायरेक्टरीज ऑल्सो, तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द मेंशन। अगला क्वेश्चन दोस्तों 46, व्हाट इज द कोहेरेंसी, ठीक है, ऑफ द रिप्लिकेट डेटा। चलिए आंसर कीजिएगा 46 का दोस्तों यहाँ पे, ऑल ऑफ मेंशन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द नॉन करेक्टरिस्टिक ऑफ द सेशन सिमेंटिक। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा देखिएगा, जो आपका शब्दार्थ होता है, डायरेक्टरीज जो होती है उसमें गैर विशेषता क्या होता है। ठीक है, ऐसा सेशन बताइए, तो इजी टू इम्प्लीमेंट अ सिंगल प्रोसेस सिस्टम। ठीक है, बहुत ही आसान होता है इम्प्लीमेंट करना सिंगल प्रोसेसर सिस्टम को। ठीक है, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट आर द थ्री पॉपुलर सिमेंटिक मेथड। चलिए तीन जो है आपका यहाँ पे पॉपुलर सिमेंटिक मोड जो है, मेथड बोल दिया मैंने, मोड जो है किसमें है, यूनिक्स में, ट्रांजेक्शन एंड द सेशन ऑफ सिमेंटिक्स में। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिक्स सिमेंटिक। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूनिक्स जो डायरेक्टरी में क्या विशेषता है, यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा उसमें क्या आखिर विशेषता है, तो ये सभी विशेषताएं हैं। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इजी टू इंप्लीमेंट द सिंगल प्रोसेसर सिस्टम एंड द डेटा कैसेज द प्रोसेस ऑफ द यूजिंग ऑफ राइट थ्रू द केस कंट्रोल एंड द राइट बैक इनहेंस एक्सेस परफॉर्मेंस। ये तीनों आपका कार्य करेगा यूनिक्स में, ठीक है, यूनिक्स सिस्टम में। यूनिक्स आप लोग पढ़िएगा तो बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत अच्छा सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगला है हमारा दोस्तों, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजेक्शन सिमेंटिक। तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे 50 का भी आप लोग यहाँ पे, द यूजर ऑफ दिस मॉडल आर इंटरेस्टेड इन द ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी फॉर दियर ट्रांजेक्शन। आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन की बात की गई है, लेन देन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, उसका एक विशेषता है यूनिक्स में, आपका बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रहता है, इस चीज़ को जान लीजिएगा। खैर दोस्तों, इसके अलावा इन सभी क्वेश्चन के अलावा यहाँ पे तीन क्वेश्चन कम थे, ठीक है ना, 47 क्वेश्चन है टोटल। तो यहाँ पे सपोज मान लीजिए इन सभी क्वेश्चन के अलावा आपको मैंने कुछ दिए हैं दोस्तों यहाँ पे एब्रीवेशन, जी हाँ, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस PDF के साथ आपको ये डेटा सारा मिल जाएगा, जैसे कि IT का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, KBPS का है किलोबाइट पर सेकेंड, जैसे कि बोलते हैं ना कितना KBPS चल रहा है स्पीड, ठीक है, तो उसका मतलब होता है किलोबाइट पर सेकेंड। LAN का फुल फॉर्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, है ना। तो ये एब्रीवेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक झलक देख लीजिए यहाँ पे, और आज के इस सिनारियो में आप हमारे साथ बने रहें, इसका तहे दिल से धन्यवाद। और आप अगले दिन यानी कि कल शाम को मिलेंगे 6 बजे, कौन से सेट के साथ, मॉडल सेट के साथ, तो मॉडल सेट है हमारा 7। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का, और जो भी डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय।